बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अल्लादीन। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको अल्लाह की रहमत का एक खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं। तो नाजरीन, हम बंदे गुनाहगार हैं और जो भी गुनाहगार शख्स हैं, यानी हम सबको इस वाकये को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यह वाकया बहुत ही ज्यादा सबक आमोज वाकया है। तो आइए नाजरीन जानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बार कहत आया, यानी सूखा पड़ा। आप अपने तमाम सहाबा के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर बारिश के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह की जानिब से मूसा अलैहिस्सलाम को गैब से आवाज आई और कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपके एक सहाबी ने अभी तक तौबा नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहते हैं कि तुम में से कौन है जिसने अभी तक तौबा नहीं की, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। ये कहते ही बारिश का बरसना शुरू हो गया। सहाबा कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो झूठ कहा हमसे, देखो बारिश तो शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर अल्लाह से सवाल करने लगे, ए अल्लाह, ये कैसा माजरा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जैसा ही तुमने सहाबा से तौबा का जिक्र किया, मेरे उस गुनाहगार बंदे ने मुझसे अपने गुनाहों की तौबा कर ली। रिवायतों में आता है कि उस सहाबी के मुंह से अस्तगफार का जुमला निकला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मुझे भी बता भला वो कौन था बंदा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरा बंदा जब गुनाह करके तौबा नहीं किया, तब मैंने तुमसे छुपाया। अब तो मेरा बंदा तौबा कर चुका है, फिर भला अब तुम्हें कैसे उसका नाम बता दूं? नाजरीन, मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को पोशीदा रखने पर कादिर है, और सिर्फ पोशीदा ही नहीं बल्कि हमारे गुनाहों को माफ करने पर भी कादिर है। जरा शिद्दत से खालिस उसकी बारगाह में हाथ फैलाकर तो देखो। बहरहाल, इस वाकये में नसीहत है उन तमाम हजरात के लिए जो अल्लाह से मायूस होकर अल्लाह के आगे सर झुकाने के बजाय और गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो दोस्तों, गुनाहों से बचें और अल्लाह ताला की बारगाह में खूब तौबा और इस्तगफार करें। लिहाजा मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लें और हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्तों पर चलें। दोस्तों, इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, और जब तक हम जिंदा रहे हमें इस्लाम पर और हमारा खात्मा ईमान पर हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।